जो उनकी याद तो आती चली गई, आई जो उनकी याद तो आती चली गई, जो उनकी याद तो आती चली गई। तुम मेरे क्या हो, मैं तेरी क्या हूं, तुम मेरे क्या हो, ये यादें क्यों आ रही है पता नहीं। बल्ले जी भी गा रहे थे, लगन तुमसे लगा बैठे, अब जिससे लगन लग गई है याद तो उसी की आई। फिर भी तुम मेरे क्या हो, मैं तेरी क्या हूँ, क्या नाम दूँ मैं इस बंधन को, पर यादगार बनाकर रख सकूँ जिन्हें वो पल दिए हैं तुमने मेरे जीवन को। पर यादगार बनाकर रख सकूँ जिन्हें मैं वो पल दिए हैं तुमने मेरे जीवन को। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगल रहसि संविदो या हृदिस्पृश कुहकनो मन क्षोभयन्ति। आई जो उनकी याद आती चली गई, आई जो उनकी याद तो आती चली गई। हर नक्ष माँ शिवा को मिटाती चली गई, हर नक्ष माँ शिवा को मिटाती चली गई। मन में कोई संकल्प या विकल्प का बीज ही ना रहा, चित्त को शांत करती चली गई। हर नक्ष मां शिवा को मिटाती चली गई, हर नक्ष मां शिवा को मिटाती चली गई। और जो काम तुम भी ना कर पाए वो काम तेरी यादों ने कर दिया। क्या हर मंजूरे जमाल दिखाती चली गई, हर मंजूरे जमाल दिखाती चली गई। मंजर यानी दृश्य, हर दृश्य में तुम ही तुम दिखाई देने लगे। ये काम तुम भी न कर पाते लेकिन तेरी यादों ने, कण कण में तुम व्याप्त तो थे, तेरी याद ने उन्हें व्यक्त कर दिया। परिणाम पहले स्थिति थी ऑल इन वन और अब वन इन ऑल। जित देखूं तित श्याम मई है, हर मंजरे जवान दिखाती चली गई, हर मंजरे जवान दिखाती चली गई। जैसे उन्हीं को सामने लाती चली गई, जैसे उन्हीं को सामने लाती चली गई। वो आगे आगे तेरी यादें आ रही और पीछे पीछे उन यादों के दायरे में सिमटते हुए तुम ही आ रहे हो। जैसे उन्हीं को सामने लाती चली से, उन्हीं को सामने लाती
चली गई। बेहर्फ बेहकाए तो बेसाजो बेसदा, बेहर्फ बेहकाए तो बेसाजो बेसदा। तेरी याद क्या आई, बेहर्फ कोई शब्द नहीं निकला, बेहकायत कोई घटना कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट नहीं हुआ, बेसाजो किसी साज की भी जरूरत नहीं पड़ी, बेसदा कोई आवाज भी ना हुई, क्यों तेरी याद आ गई। बेहर्फ बेहकाए तो बेसाजो बेसदा, बेहर्फ बेहकाए तो बेसाजो बेसदा। रग रग में नगमा बन के समाती चली गई, रग रग में नगमा बन के समाती चली गई, रग रग में नगमा बन के समाती चली गई, रग रग में तो आती चली गई। एक हुस्न बेजहत की फजाए बसी तुम्हें, एक हुस्न बेजहत की फजाए बसी तुम्हें। बसी यानी जिंदगी, जीवन में कोई रस ना था, लेकिन तेरी यादों ने क्या किया। एक हुस्न बेजहत की फजाए बसी तुम्हें, एक हुस्न बेजहत की बसी तुम्हें। निराशाओं के अंधेरों में जी रहा था, लेकिन तेरी यादों ने ऐसी उड़ान दी। एक हुस्न बेजहत की फजाए बसीत में, उड़ती गई मुझे भी उड़ाती चली गई, उड़ती गई मुझे काम शौक था पीता चला गया, मैं कृष्ण काम शौक था पीता चला गया, कृष्ण काम शौक मुझे भी पीने की लत थी, आदत थी, प्यास लगी ही रहती थी, लेकिन हर वक्त तो कोई बाहर का नशा हाथ में पकड़ कर पी नहीं सकता, लेकिन मैं तृष्णा काम शौक था पीता चला गया, मैं तृष्णा काम शौक था पीता चला गया। वो मस्त अखड़ियों से पिलाती चली
मस्त अखड़ियों से तिलकी चली गई, वो मस्त अखड़ियों से तिलकी चली गई। जितना भी कुछ सकूं सा था आता चला गया, जितना भी कुछ सकूं सा था आता चला गया, जितना भी कुछ सकूं सा था आता चला गया, जितना भी कुछ सकूं सदा आता चला गया। एक बार गोपियों से पूछ दिया किसी ने कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा, गोपियां भी क्या जवाब देती, बस अश्रुपूरित नेत्रों से इतना ही कहा कि जब श्री श्याम सुंदर की याद आ जाती है, उनकी याद में उनके विरह में दो आंसू बरस जाते हैं, टपक जाते हैं, ये सारे ब्रह्मांडों का पुण्य भी मिलकर उतनी शांति अमन चैन आनंद नहीं दे सकते जो उनके विरह में टपके हुए दो आंसू दे जाते हैं। इसलिए ये पुण्यों की हमारी पराकाष्ठा परिसीमा है, और सबसे बड़ा पाप जिस क्षण हम किसी और काम में लग जाती है, श्याम सुंदर की विस्मृति हो जाती है, ये विस्मृति ही हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है। जितने भी सारे ब्रह्मांडों के पाप मिलकर उतना दुख ताप दे नहीं सकते, उसकी विस्मृति इतना ताप दे जाती है, ये हमारे पापों की पराकाष्ठा परिसीमा है। और पुण्यों की परिसीमा जब उसकी याद में विरह में दो आंसू टपक जाते हैं, इसलिए जितना भी कुछ सकूं सदा आता चला गया, जितना भी कुछ सकूं सदा आता चला गया, उतना ही बेकरार बनाती चली गई, उतना ही बेकरार बनाती चली गई, उतना ही एक दोष में वीराना हयात के एक दोष में, हयात यानी भी जिंदगी, ये जिंदगी का चमन बिल्कुल उजड़ा हुआ था, यहां कोई रस ना था आनंद ना था, वीराना हयात के एक गोशा में, वीराना हयात के
इन गोशा में। लेकिन जैसे कोई अमावस की काली अंधियारी रात हो, गहन सुनसान का वातावरण हो, बड़ी भयावह लगती है वो रात। ऐसे में कहीं कोई दूर जोगन कोई सितार बजाती ही, एक तारा बजाती ही निकल जाए, एक तार की झंकृति से पूरा वातावरण गुंजारित हो उठता है, यही काम तेरी याद ने किया। वीरानाए हयात के इन इन गोशा में, वीरानाए हयात के इन इन गोशा में, जोगन कोई सितार बजाती चली गई, जोगन कोई सितार बजाती चली गई, जोगन कोई सितार बजाती चली गई, जोगन कोई सितार सामने हो तो केवल उन्हीं में उन्हीं के दर्शन होते हैं, लेकिन जब वो ना हो, उनके विरह का ताप हो, उनकी यादें आ जाए, तो हर दिशा में हर कण में हर जगह मानो वो ही वो, वो ही वो, वो ही वो, ये सामर्थ स्वयं श्री कृष्ण में भी नहीं, उनकी यादों में। इसलिए हर मंजरे जमाल दिखाती चली गई, हर मंजरे जमाल दिखाती चली गई, जैसे उन्हीं को सामने लाती चली गई, जैसे उन्हीं को सामने